तो सभी को वेलकम दोस्तों। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये पोखरा जो विमान हादसा हुआ था, ये उसका मलबा है, जो कि ये प्लेन क्रैश हुआ था उसका ये मलबा है। और आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा, न्यूज में दिखाया गया था कि मतलब ये जो विमान हादसा हुआ है नेपाल में पोखरा में, उसका ये जो क्रैश मलबा है ये उठाने की प्रक्रिया चल रही है। आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो मलबा है ये जो उठाया जा रहा है और इसको जांच के लिए भी जाएगा। और आपको अभी हम दिखा रहे हैं ये मलबा, तो आप देखते रहिए आगे का सीन। जो ये मलबा है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा और भी जो प्रक्रिया चल रही है। तो अभी आप ये देखिए, ये प्रक्रिया चल रही है, अभी आप देख सकते हैं इसको। सारा मलबा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, जो प्लेन का मलबा है वो उसको खींचा जा रहा है लगातार इन आर्मी की तरफ से, जो नेपाल की आर्मी है या नेपाल का पुलिस प्रशासन या नेपाल की जो भी फोर्स है उसको लगाया है। ये देख सकते हैं आप सब, ये जो उसके जो सीट का ये मलबा, और ये आप देख सकते हैं ये जो अंदर का जो उसका इंटीरियर का जो मलबा है, और ये सारा मलबा जो है इकट्ठा कर इसको जांच के लिए भेजा जाएगा, आखिर कमी कहाँ थी जो कि ये क्रैश हुआ है। तो अभी आप स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो ये मलबा है इसका वो इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये बहुत ही दिल दहलाने वाला मामला था, क्योंकि इसमें 72 यात्री सवार थे, 72 के 72 यात्री इस दुर्घटना में मौत का शिकार हो गए। तो अभी आप देख सकते हैं इसको, इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो मलबा है और ये जो एकत्र भीड़ हो रही है देखने के लिए, तो पुलिस प्रशासन उसको रोक रहा है कि आगे की तरफ ना जाइए। और ये देखो आप, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चली है और आपको दिखा रहे हैं ये स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख रहे होंगे आगे। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और आपको ये जो हादसे हैं वो हम आपको दिखाएंगे, और ऐसे ही कोई ना कोई जो न्यूज होती है हम आप तक पहुंचाते हैं दोस्तों। वैसे तो ऊपर वाला ना करे कि ऐसा हादसा दोबारा भी हो, क्योंकि ये बहुत भयानक हादसा था कि 72 के 72 यात्री जो थे इसमें सवार, जो प्लेन में सवार थे वो सारे की डेथ हो गई। और अभी इसके मलबा का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं।